नमस्कार, खबर जयपुर से है, जहां अब जयपुर मेट्रो के फेज टू के निर्माण में केंद्र सरकार का भी साथ मिलेगा। जी हां, शुक्रवार को मेट्रो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि ये चरण जॉइंट वेंचर मॉडल पर धरातल पर लाया जाएगा। इस मॉडल के तहत कुल लागत का 20% केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार और 60% लोन मिलेगा। आपको बता दें, ये पहली बार होगा कि मेट्रो के निर्माण में केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग मिलेगा। मेट्रो की बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, वह राज्य सरकार को भेजा जाएगा और राज्य सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगी। मौजूदा सरकार ने लेखानुदान में सीतापुरा से विद्याधर नगर तक जयपुर मेट्रो के विस्तार की बात वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कही थी। यह रूट करीब 30 किलोमीटर का होगा और इसमें 5800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान एक्सपर्ट्स ने बताया है। लेखानुदान में वित्त मंत्री ने फेज टू की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR को नए सिरे से बनाने की घोषणा भी की थी। पहले जो DPR बनी है, वह आंगनबाड़ी से सीतापुरा तक की है। आपको बता दें कि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी एक कार्यक्रम में यह बात कह चुके हैं कि मेट्रो विस्तार में केंद्र का साथ मिलेगा और योजना जल्द ही रूप लेगी। उन्होंने कहा था कि पहले दौर की बैठक हो चुकी है और जल्द ही इस योजना पर मूर्त रूप लगेगी। आपको बता दें कि मेट्रो के पहले चरण के 1A पैकेज में चांदपोल से मानसरोवर तक की मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया गया था। इस चरण के 1B पैकेज में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक की मेट्रो के भूमिगत कॉरिडोर का निर्माण हुआ। पैकेज 1C में बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि पैकेज 1D के शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मेट्रो फेज 2 का रूट एलिवेटेड होगा, इससे पैसा भी कम खर्च होगा और काम भी तेजी से हो सकेगा। इस चरण में पूरे टोंक रोड को शामिल किया जाएगा। पहले से चल रही मेट्रो और प्रस्तावित फेज 2 को चांदपोल से जोड़ने की योजना की जा रही है।